आज हम बना रहे हैं नींबू का अचार। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। मैंने 1 किलो नींबू ले लिया धो के, और नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च मोटी मोटी कूट के ले ली है, और 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर, आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली हुई है, और मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है, और बनाने के लिए सरसों का तेल। अब हमने पतीले में पानी गर्म कर लिया है, इसमें अब हम जो नींबू लिए हैं हम वो उबाल लेंगे। उबालने से भी नींबू का जो ऐसे अचार कड़वा होता है उसकी आधी कड़वाहट निकल जाती है जब हम पानी में उबाल लेते हैं। तो अब मैं इनको पानी में उबालूंगी। अब ये हमारे नींबू उबल गए हैं, अब हम इनको ठंडा करके फिर काटेंगे। अब ये हमारे नींबू ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको काट लेंगे। ऐसे करके हम इसको काट लेंगे। अब इसकी जो खटाई ऐसे थोड़ी सी हम ऐसे करके निकाल लेंगे, और ऐसे ही हम सारे नींबू काट लेंगे। हमने उबले हुए नींबू काट लिए हैं, और हमने थोड़ी सी खटाई भी इसकी निकाल ली है। अब हम इसका अचार बनाएंगे। हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, गर्म करके ठंडा कर लिया थोड़ा। अब हम मैं इसमें डालूंगी जो हमने नींबू की खटाई निकाली हुई है, और जो हमने गुड़ लिया हुआ है, अब इसको डालूंगी। 1 कटोरी गुड़ लिया मैंने। आप गुड़ में नहीं तो चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ की जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से पिघलने दूंगी। ये हमारा गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब इसमें डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार, कर लूंगी। और मैंने जो सारे मसाले लिए हुए वो मैंने इसमें इकट्ठे कर लिए हैं, वो भी इसमें डाल दूंगी। मैं अच्छे से इनको मिक्स कर लूंगी। आप भी ऐसे नींबू का अचार उबाल के बना के देखना, इसको तुरंत उसी टाइम खा सकते हैं, जैसे बनाएंगे वैसे खा सकते हैं, नहीं तो 1-2 दिन के बाद भी खाने के लिए हो जाता है, पर उबाला है तो उसको उसी टाइम खा सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने नींबू काट के लिए हुए, मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी, और 2 मिनट के लिए इसको इसी रस में पकाऊंगी, ताकि इसमें सारे मसाले, नमक, गुड़ की चाशनी, वो जो भी डाला सब इसमें अच्छे से रच जाए। 2 मिनट के लिए पकाऊंगी अभी इसको। अब ये हमने 2 मिनट इसमें पका लिया है नींबू के अचार को। अब ये हमारा खाने के लिए नींबू का अचार तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने पे परोसेंगे। अब ये हमारा नींबू का अचार बन के तैयार हो गया खाने के लिए। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।